हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहन राज, फर्स्ट एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गुवाहाटी। सो आज हम बात करेंगे एस्टेट कॉलेज वर्सेज एम्स, जिसका आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया था। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप एस्टेट कॉलेज और एम्स के बीच में कंपेयर करो, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा लें कौन सा नहीं लें, और ऊपर से आप इसमें बताओ इसमें रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या प्रो है, क्या कौन सा है, सब कुछ पूछ रहे थे आप लोग। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब पूछ रहे थे, तो आज उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि एस्टेट कॉलेज क्यों लेना चाहिए या फिर एम्स क्यों लेना चाहिए, किसमें क्या बेनिफिट है क्या डिफेक्ट है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि मैं एम्स से हूँ तो पहले बताऊंगा स्टेट कॉलेज का। ठीक है, ये एम्स में कुछ नहीं होता बेनिफिट, यहाँ क्या है चलो तो बताता हूँ आपको पहले स्टेट कॉलेज का। ठीक है, मैं कंपेयर करूँगा दोनों के बीच में, कंपेयर करके चलूँगा आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला चीज़ देखता हूँ, स्टेट कॉलेज लोग क्यों लेते हैं, घर के पास होता है सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि देखो यार, मेडिकल फील्ड में इतना है कि पढ़ाई आपको खूब करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, लग के पढ़ाई करना पड़ेगा, छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो आपको मैनेज करना होता है। तो घर के पास में कॉलेज है तो जब मन हुआ निकल लिए, छुट्टी मिला हल्का भी 2 दिन का छुट्टी है चले जाते हैं घर, तो ये चीज़ हुआ। जबकि आप एम्स में, आप मानता हूँ हर स्टेट में आप एम्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो यार, क्योंकि आप इतने अच्छे रैंक में तो आप ले ही लोगे, आपके एवरेज रैंक है तो आप क्या करते हो, सोचना पड़ता है अच्छा एम्स में जाएँ बाहर दूसरे एम्स में जाएँ। क्योंकि अपने स्टेट में अगर एम्स मिला तो प्रेफर एम्स ही लोग रहे हैं यार, अगर तुमको दूसरे स्टेट का एम्स में जाए या फिर खुद के स्टेट में जाए इस पर दिक्कत होता है। तो मैटर करता है कि यार अगर दूर है तो जा नहीं पाते, वापस आ नहीं पाते, काफ़ी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया जो तुम मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन मैटर का चीज़ ना, वो तुमको मैटर करता है एजुकेशन। मैं ये नहीं बोला कि स्टेट कॉलेज में एजुकेशन ख़राब होता है, मेडिकल कॉलेज में खुद ही पढ़ना होता है, ये बात याद रखना, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो मेडिकल कॉलेज पढ़ाई खुद ही करना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से एम्स बनाया, एम्स का एक ही फंडा है कि उस स्टेट का जो भी टॉप टीचर है ना, टॉप फैकल्टी प्रोफेसर, उसको उठा ले रहा है वो। ठीक है, तो एम्स में तुमको बेस्ट एकेडमिक्स मिलता है, ये सबको पता है। एक तो एकेडमी की बात हो गई, एम्स में बेस्ट मिलता है तुमको, एम्स सेंट्रल है। जब मैंने स्टेट कॉलेज छोड़ के एम्स लिया था, क्यों लिया था, प्रीफर क्यों किया था, देखो यार तुमको एक सेंट्रल होती है एक स्टेट होती है। ठीक है, अगर स्टेट कॉलेज है तो सेंट्रल कॉलेज दोनों में एक चीज़ बताता हूँ। मानो कर लो कि इन फ्यूचर को एक मशीन लेना है जो 50 करोड़ का है, 50 करोड़ का मशीन है। ठीक है, अब ये बताओ एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट कौन उस चीज़ को जल्दी ले पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को सोचना पड़ेगा उस चीज़ को लेने के लिए, बिल वगैरह पास करना, सेंट्रल इजिली ले लेगी इसको। तो तुमको हर एक न्यू चीज़ अवेलेबल होती है एम्स में, चाहे वो कोई सा भी एम्स हो, अगर कोई नया एम्स बन रहा है ना तो उसके अंदर भी वो सामान बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा डिलेइंग वाला मैटर होता है। दूसरा चीज़ हो गया तुमको कि एकेडमिक्स, तुमको बता ही दिया कि एकेडमिक्स से यार एम्स में अच्छा होता है तो पता है, ऐसा नहीं कि स्टेट कॉलेज में नहीं होता है, काफ़ी स्टेट कॉलेज ऐसे ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे एकेडमिक्स होते हैं, और वो एकेडमिक्स के दम पे काफ़ी ऊपर तक नाम है। तो इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट होता है कि एकेडमिक्स कहाँ का बेस्ट है, तो एकेडमिक्स दोनों जगह बेस्ट है। ठीक है, तुम कंपेरेटिव देखो दोनों जगह सही चलता है। एक चीज़ होता है रिजर्वेशन सिस्टम, इस चीज़ का बच्चों को फर्क पड़ता है। तो रिजर्वेशन सिस्टम में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा ना कि देखो यार, स्टेट कॉलेज में जब भी तुम लोग स्टेट कॉलेज, तो स्टेट का जैसे तुमको यूजी में देखते हो ना 85:15 का रिजल्ट मिलता है, वैसे स्टेट में मिलता है 50:50 का चलता है। ठीक है, तो जब तुम पीजी दोगे तो स्टेट कॉलेज, अगर तुम सेम स्टेट पे हो एज यूजल, मानो मैं बिहार का हूँ। ठीक है, अब मैंने बिहार से मतलब मैंने पीजी एग्ज़ाम दिया, ठीक है, नीट पीजी दिया, अब ऐसा होगा ना, चलो मानो मेरा रैंक 4000 आया। ठीक है, अब 4000 रैंक पे अगर मैं दूसरे स्टेट में कॉलेज कर रहा होता, ठीक है, खुद के स्टेट में नहीं होता, दूसरे स्टेट में होता, तो मैं स्टेट कोटा चला जाता, तो ये हो सकता है कि मेरा 4000 है, मेरे दोस्त का है, उसका 4000 दोनों का है। ठीक है, दोनों का बराबर लगभग बराबर रैंक है, तो वो सेम स्टेट से, तो उसको अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, जबकि मुझे वो ब्रांच नहीं मिलेगा अपने स्टेट में। अगर अपने स्टेट में होगा तो मुझे स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, ये चीज़ होता है स्टेट कोटा, समझ रहे इस चीज़ को, कि तुम अगर खुद के स्टेट से कर रहे हो तो तुमको स्टेट कोटा मिलेगा, तो पीछे रैंक पर भी तुमको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, जबकि अगर तुम बाहर किसी और स्टेट से कर रहे हो तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में जब देखा गया कि पहले देखा गया कि यार चलो स्टेट का जो भी चल रहा है सीट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा गया कि BHU के अंदर ऐसा ही होता है कि 50% रिजर्वेशन मिलता है वहाँ PG के लिए, जो BHU से ही कर रहे हैं उसको। तो इस चीज़ पे फिर जब देखा गया ऐसा, फिर देखा गया जिपमर में रोस्टर सिस्टम चलता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना एम्स भोपाल के बच्चों ने आवाज़ उठाया, फिर साथ में और सारे एम्स आपस में आकर मिल गए, फिर उन्होंने आवाज़ उठाया कि जब दूसरे जगह पे आप ऐसा रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब BHU सेंट्रल है,
आप उसमें दे रहे हैं, आप सिलेक्शन दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा, फिर इस चीज़ पर विवाद हुआ। फिर उसके बाद आया रोस्टर सिस्टम एम्स का। इस रोस्टर सिस्टम के मुताबिक क्या बोला जाता है, इसके मुताबिक बोला जाता है कि आप एम्स के बच्चे हो, जैसे एज यूजल मानो कोई एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एम्स दिल्ली के बच्चे हो, तो आपके लिए वहाँ पे कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, 20%, 25%, 30%, कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड वो कॉलेज करेगा, तो आपके लिए वो सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम दिया पीजी का, आपका रैंक आया मानिए 500, लेकिन आपको पता है कि एम्स दिल्ली टॉप 50 के अंदर भर जाएगा, बट आप एम्स दिल्ली के ही बच्चे थे, इसलिए आपको वहाँ प्रीफर दिया जाएगा, आपका कॉलेज रैंक निकलेगा, इंस्टीट्यूट रैंक निकलेगा, ठीक है। उसमें मानिए आपका रैंक आया था 2, ऐसे आपका रैंक आया था 500, इंस्टीट्यूट रैंक में आपका आया था 2, आपको उसी इंस्टीट्यूट में दिल्ली एम्स में ही आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, मेडिसिन ब्रांच, रेडियो ब्रांच, जो आप चाहें वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के बच्चे थे, जो कि आपको 500 रैंक कभी नहीं मिलने वाला था वो मिल जाएगा। तो ये है तुमको, मतलब जो भी मानो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर बताओ ना, तो मानो कि कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें तुमको ओवरऑल 100 सीट है पीजी का, ठीक है, 100 सीट में से मानो 10 सीट है मेडिसिन का, ठीक है, तो पहले वो डिवाइडेड था कि 10 में से 5 सीट जाएगा जनरल में, 3 जाएगा ओबीसी में, 1 जाएगा एसटी में, 1 एससी में, ऐसे डिवाइडेड था, ठीक है। प्रोसेस सिस्टम आने के बाद ये सिस्टम हट चुका है, अब वो 10 के 10 मेडिसिन के सीट कहलाएंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा ना कि अब वो 10 में डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि किस कैटेगरी का है सीट, ये डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा ना कि 10 मेडिसिन का सीट है, चलो ठीक है, आप जनरल वाले को पहला देना चालू किए, कुछ सीट उसको दिए, उसके बाद फिर ओबीसी वाले को दिए, ऐसे देंगे सबको, लेकिन बीच में आएगा इंस्टीट्यूट वाले भी। अगर 10 सीट थे मेडिसिन के, तो 10 में से तुमको जैसे कि मानो अगर 20% रिजर्वेशन रोस्टर लगता है, तो 2 सीट तुमको दे दिया जाएगा तुमको उस कॉलेज वाले के लिए। उसका रैंक अगर पीछे भी है ना, तो कॉलेज रैंक उसका निकाला जाएगा, अगर कॉलेज रैंक उसका आगे है तो उसको सीट दिया जाएगा। ये है तुम्हारा रोस्टर सिस्टम, ठीक है, ये है तुम्हारा रोस्टर सिस्टम। तो रोस्टर सिस्टम आने से अच्छा भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, तो जो भी हुआ वो सिस्टम आया है, ये नहीं बोल सकता कि गलत है या सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सब सही है, ठीक है, तुम नीट में देख ही चुके हो, सब सही है। तो ये नहीं बोलूँगा कि सिस्टम गलत है या सही है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा ना, इस सिस्टम के आने के बाद से बच्चों में एक प्रिफ्रेंस आया है कि वो एम्स को प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो एम्स से कर रहे हैं तो उसको एक सिस्टम, एक फैसिलिटी दिया जा रहा है उसको, कि वो आगे उसी एम्स से कर सकते हैं, पीछे रैंक ला के भी, ज़्यादा पीछे नहीं, लेकिन अगर पीछे रैंक है आपका तो आपको सपोर्ट मिलेगा इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट सपोर्ट के कारण आप आगे आ जाइएगा, इंस्टीट्यूट रैंक आपका निकलेगा, उसके कारण आपको अच्छा ब्रांच मिल सकता है, यह पर उसका सिस्टम है। बाकी यही मेन पॉइंट है जो आपको डिफरेंशिएट करता है स्टेट कॉलेज लेना या नहीं लेना। स्टेट कॉलेज लीजिएगा तो आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा उधर का, आप अगर एम्स लेते हैं तो आपको एम्स के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा जो पहले नहीं था, तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। बस यही सिस्टम था रिजर्वेशन का, तो बाकी आप समझ गए हैं, ये सिस्टम बता दिया, ठीक है। आपको तो और कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से अच्छे से। और दूसरी चीज़ रहा कि आपका, जैसे मैंने बोला था कि आपको लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूँगा, हाँ, तो अनाउंसमेंट ये है कि अब हर संडे Q&A वीडियो रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपको जो भी डाउट है, आप सप्ताह भर का जो भी चीज़ आपको पूछना है, चाहे वो आपका एकेडमिक से पूछना हो, आपको एम्स से रिलेटेड पूछना हो, रिजर्वेशन के रिलेटेड पूछना हो, काउंसलिंग के रिलेटेड पूछना हो, या फिर मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा वो पूछना, आपको कोई सा भी चीज़ जानना हो ना हो, आपका कोई डाउट उसको क्लियर करना हो, या मेरे बारे में कुछ जानना हो, आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। आप सप्ताह भर तक पूछिए मुझसे, और मैं हर संडे उससे चाहूँगा एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, ठीक है। बाकी अगर कोई और भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताना, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। और आपको पर्सनल कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, आपको गाइड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, संडे को Q&A में, ओके।